हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चंदन सिंह के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लस स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको टॉप सिनोनिम्स करवाऊंगा, जो कि आपके एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, पटवारी और कई एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो जो मैं आपके सामने सिनोनिम्स लेके आया हूँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो फर्स्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स एंड क्लिक लाइक बटन। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी मैं आपके लिए सिनोनिम्स लेके आया हूँ, ये मैं विद मीनिंग लेके आया हूँ। मैं आपको इनके मीनिंग भी बताऊँगा। मैं आज टॉप 20 सिनोनिम लेके आया हूँ, तो अभी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो टूडेज फर्स्ट सिनोनिम इज ऑब्नॉक्सियस। तो ऑब्नॉक्सियस के ऑप्शन हैं डिप्रेसिंग, डिस्गस्टिंग, एरोगेंट, फिल्थी। तो ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग होता है बहुत बुरा लगने वाला, जा घृणित। तो आपको कमेंट करना है कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्गस्टिंग, जिसका मीनिंग होता है घिनौना या बहुत बुरा करने वाला। ओके, सो नेक्स्ट है कोवनेंट। तो कोवनेंट का मीनिंग होता है वाचा या अनुबंध। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, ढूंढते हैं। तो ऑप्शंस हैं केस, कोपन, कंट्रैक्ट, सेटलमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, कंट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है डिफरेंस। तो डिफरेंस के ऑप्शन हैं इनडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, फ्लैटरी। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। इसका सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 3, रिस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मीनिंग बताता हूँ पहले मैं, अभिनिषेध करना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो सही ऑप्शन हैं वो इस प्रकार हैं, रिपील, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसमिस। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी कमेंट करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, रिपील। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है इंटरप्टेड। तो आपको इंटरप्टेड का मीनिंग तो पता होगा, तो इंट्रेपिड है। तो इसके जो सही ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एम्बिशियस, डिटरमाइंड, टॉक्टिव, फेयरलेस। तो इंट्रेपिड का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4, फेयरलेस। ओके स्टूडेंट्स, जिससे थोड़ा भी डर नहीं होता है। सो नेक्स्ट है ग्रैंड्योर। तो ग्रैंड्योर के ऑप्शन हैं मैग्निफिसेंस, एडमिरेशन, हैप्पीनेस, आव। तो ग्रैंड्योर का मीनिंग होता है शोभा, शान। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्निफिसेंस। सो नेक्स्ट है इंसेप्शन। तो इंसेप्शन के ऑप्शंस हैं इनिशिएटिव, बिगनिंग, इनिशियल ओरिजिन। तो आपको इंसेप्शन का मीनिंग पता होगा, इसका मीनिंग होता है शुरुआत या आरंभ करना। तो बिगनिंग का मीनिंग भी सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट है क्लोजल। तो क्लोजल के ऑप्शंस हैं फेमस, विगरस, इनर्जेटिक, इनोर्मियस। तो क्लोजल का मीनिंग क्या होता है, प्रचंड। तो इसका जो सही सिनोनिम बनेगा वो कमेंट करें जल्दी। तो ऑप्शन नंबर 4, इनोर्मियस। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स के ऑप्शन है पैराडाइज, क्वेश्चन, पजल, चैलेंज। तो पैराडॉक्स का मीनिंग होता है विरोधाभास या असत्यावास, मींस की कंफ्यूजिंग अवस्था में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पजल। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है प्रोलिफिरेट। तो प्रोलिफिरेट के ऑप्शंस हैं प्रोग्रेशन, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट, रिप्रोड्यूस। तो प्रोलिफिरेट का मीनिंग होता है पैदा करना, कोई नई चीज़ तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मीनिंग भी पैदा करना या चीज़ को तैयार करना होता है। नेक्स्ट है सेंसर। तो सेंसर के ऑप्शंस हैं क्रिटिसाइज, अप्रिशिएट, ब्लेम, एब्यूज़।
तो सेंसर का मीनिंग पता होना चाहिए, निंदा करना, किसी की बुराई करना, तो क्रिटिसाइज भी इसका सही सिनोनिम है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है? मेहनत, जो मेहनत करता है वो डिलीजेंट कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है इंडस्ट्रियस, नेक्स्ट इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक। तो इसका जो सही सिनोनिम होगा कमेंट करें। इसका सही सिनोनिम है ऑप्शन नंबर 1, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है कंटेम्पलेशन। ऑप्शंस हैं कंसीडरेशन, मेडिटेशन, डिलिबरेशन एंड स्पेसुलेशन। तो कंटेम्पलेशन का मीनिंग है चिंतन करना, किसी भी चिंता करना। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मेडिटेशन। सो नेक्स्ट है एडुलेशन। तो एडुलेशन के ऑप्शंस हैं ड्यूरेशन, आर्गुमेंट, फ्लैटरी, इन सिचुएशन। तो आपको कमेंट करना है इसका सही सिनोनिम क्या होगा। फर्स्ट एलुडेशन का, एडुलेशन का मीनिंग है विनती करना या मांगने का ढंग। ओके, विनती करने का ढंग। तो इसका जो सही सिनोनिम है मैंने बता दिया मीनिंग, और अभी आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो है फ्लैटरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वाइवर। तो क्वाइवर का मीनिंग क्या होता है? तर्कस। तो इसके ऑप्शंस हैं क्वायरल, क्वेकन, वेवर, ट्रेम्बल। तो कमेंट करें इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ट्रेम्बल। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के बारे में तो आपको पता होगा कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शंस हैं हैंडसम, अल्यूरिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिव। तो आपको ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है, जल्दी बताएं, सभी कमेंट करें जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट है मोमेंटियस। तो मोमेंटियस के ऑप्शंस हैं इम्पोर्टेंट, टेम्पररी, फ्लेटिंग, मोनूमेंटल। तो मोमेंटियस का मीनिंग होता है सबसे अहम या सबसे अलग क्रमें। ओके, तो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट भी सबसे अलग होता है, जरूरी। ओके, नेक्स्ट है इन्फेचुएशन। तो इन्फेचुएशन का मीनिंग होता है समोह या प्रेमांधता। तो इसके सिनोनिम क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। फर्स्ट ऑप्शंस देखते हैं इमोशन, पैशन, इमेजिनेशन या कंपैशन। तो इसका सही सिनोनिम है ऑप्शन नंबर 2, पैशन। सो नेक्स्ट है कंसाइन। तो ऑप्शंस हैं डिलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी एंड मैसेंजर। तो आप कमेंट करना है कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। कंसाइन का मीनिंग होता है पाने वाला, कोई भी चीज़ पाने वाला या प्रेषति। तो इसका सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनी। सो नेक्स्ट है और आज का लास्ट है ये सिनोनिम, ट्रैम्प। तो आपको ट्रैम्प के बारे में बताना है सिनोनिम। ऑप्शन नंबर 1 है वंडरर, चीट, ट्रैवलर, पिलग्रिम। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि ट्रैम्प का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रैम्प का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है आवारा या लापरवाह, लावारिस, लावारिस, जिसका कोई भी घर का मेंबर नहीं हो, वो उसका पता नहीं हो कोई। तो इसका जो सही सिनोनिम बनेगा वो होगा वंडरर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है लास्ट में कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें।